राबड़ी आवास पे कल महागठबंधन की बैठक हुई और वहां आरजेडी के कई नेता पहुंचे और विधान परिषद की चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा हुई। चार उम्मीदवार आरजेडी के तरफ से और एक माले के। ऐसे में कांग्रेस को इस बार विधान परिषद के लिए एक भी सीट नहीं मिली है और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक है प्रतिमा जी। ये एक भी सीट आप लोग को भी नहीं मिली और चार आरजेडी और एक माले। देखिए, नहीं मिली चिंता का विषय है, दुख का विषय है, क्योंकि एमएलसी का पद वर्करों के लिए होता है और वैसे वर्कर जो संगठन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं, जो पब्लिक डोमेन में कम रहते हैं, संगठन को देखते हैं, इसके लिए तो विशेष जानकारी आप मेरे प्रदेश अध्यक्ष देंगे माननीय अखिलेश जी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आला कमान को इन सब चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, कांग्रेस इससे कमजोर होगी क्योंकि अब एक भी सीट नहीं मिलना, अब इस पे तो तमाम पार्टियां जो है चुस्की ले रही है। अध्यक्ष जी, आपके दिल्ली बुलाया गया, आनंद फानन में वो दिल्ली गए हैं, आला कमान के साथ उनकी मीटिंग होगी, तो क्या वजह है एक भी सीट नहीं मिलना और अध्यक्ष को दिल्ली बुलाना? देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थिति बहुत ही गंभीर है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आला कमान को इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव एक महीने के अंदर होने वाला है। सबसे बड़ी बात की है, मुझे तो लगता है कि आला कमान को ये गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड करते हैं। इन्होंने कहा था जब राहुल जी का, जब माननीय मुख्यमंत्री 28 जनवरी को जिस तरीके से वो गठबंधन से बाहर चले गए, सारे एमएलए इंटैक्ट थे, किसी को ये पता भी नहीं था कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। सब लोगों ने यही कहा कि हम लोग तो माइनस नीतीश कुमार जी 2020 में चुनाव लड़के आए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल जी की रैली है बहुत ही दमदार तरीके से और बहुत शानदार तरीके से वो रैली होगा और सभी एमएलए उसमें भाग लेंगे। सब एमएलए गए भी, लेकिन पता नहीं कहां से कैसे प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, अखिलेश जी को ये खबर लगी कि एमएलए टूट रहे हैं और उन्होंने जैसे ही रैली खत्म हुई सबको दिल्ली तलब किया और आनन फानन में शॉर्ट नोटिस में वो सबको तेलंगाना शिफ्ट करा दिया 8 दिन तक। वहां पर वो किसी से बताए बिना प्रस्तावक का फॉर्म मंगवा करके सब एमएलए से साइन उन्होंने करवा लिया। मैं वहां भी बोली कि भाई इसके भी जरूरत क्या है, अभी तो चुनाव में समय है, हम लोग बिहार जाके करेंगे, कौन प्रत्याशी है? तो कहा गया कि कोई भी हो आप करिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग पार्टी के वर्कर है, पार्टी के लाइन से मतलब अलग नहीं। अखिलेश जी मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अखिलेश जी जो अध्यक्ष है वो मिसगाइड कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये बिहार कांग्रेस में बदलाव की जरूरी है? जिस तरीके से एकदम बदलाव की जरूरत है, देखिए जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली रहते हैं वैसी परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में रहना चाहिए। ये अब राज्यसभा के सांसद है, जाहिर सी बात है दिल्ली ही रहेंगे और दिल्ली से बिहार नहीं चलने वाला है, क्योंकि बिहार राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है, बहुत अवेयर राज्य है और यहाँ पर रोज रोज राजनीतिक घटनाक्रम घटते रहता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अस्थाई और यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति की जरूरत है जो संगठन के हर बारीकी पे नजर रखे। मुझे लगता है 6 महीना पहले उनका डेथ हो गया है, कोई जिला अध्यक्ष दूसरा नहीं बना। अब ऐसी परिस्थिति में आप ठीक है गठबंधन में ही चुनाव लड़िएगा, अपने सहयोगियों का किस तरीके से मदद कीजिएगा? उसके लिए मदद करने के लिए आपका संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये जो अब जिस तरीके से अब एक भी सीट नहीं मिली है एमएलसी को चुनाव के लिए, क्या लग रहा है इस पर अध्यक्ष जी बात करेंगे दिल्ली में जाकर, या फिर ये राज्यसभा के सांसद बने हैं क्या उसको लेकर बात होगी, ये अचानक से उनको जो दिल्ली बुलाया गया? देखिए सब बात ये है कि प्रदेश अध्यक्ष वो है, अपने जो सहयोगी दल हैं बात उनसे उन्हीं को करना है, क्या करते हैं नहीं करते हैं वो जाने। केंद्रीय नेतृत्व को इन सब चीजों पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसी तरीके से हुआ, आज वो जो मंत्री बने वो भाग गए, दूसरे पार्टी में चले गए। तो पार्टी के अंदर जो जमीनी वर्कर है, जो ईमानदार वर्कर है, जो निष्ठावान वर्कर है, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है, जो पार्टी के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब कार्यक्रम के लिए तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो कोई कहीं से भी कर सकता है, लेकिन जिला में जिला संगठन मेरा काम कर रहा है कि नहीं, जिला संगठन की क्या स्थिति है, इस पे तो ध्यान प्रदेश अध्यक्ष को देना। आपने कहा कुछ देर पहले कि अध्यक्ष जी जो है फोन भी नहीं उठाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल फोन नहीं उठाते हैं, किसी से बात नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप है जी, प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग की बात नहीं हो पाती है। तो ऐसे थोड़ी ना संगठन, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रदेश अध्यक्ष से कहे बिना नहीं हो सकता है।
तो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रहेंगे तो रोज तो हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते हैं। तो आप ये आप कंप्लेन करेंगे क्या आलाकमान से कि अध्यक्ष को बदला जाए? मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि कैसे लोगों को बने जो बिहार में रहे, बिहार कांग्रेस को मजबूत करे, बिहार में उनको रहना जरूरी हो। अब बिहार के लोग प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष दिल्ली जाके तो नहीं बात करेंगे, तो प्रदेश अध्यक्ष को बिहार में रहना बहुत जरूरी है और वैसे लोगों को बनाइए जो बिहार में रहते हैं। चलिए आखिरी सवाल है, ये अमित शाह का बिहार दौरा है, आज फिर पालीगंज में जनसभा करेंगे, क्या लगता है बिहार के हित में कुछ बात होगी? इस तरीके से लगातार दावा करते रहते हैं कि बिहार से विशेष लगाव है, क्या यहाँ उनका ननिहाल है बिहार से? बिहार से कुछ लगाव नहीं है, जुमलेबाजी अब बहुत हो गया, अब जनता सब समझ गई है कि क्या होने। जो नाटक ड्रामा वाले जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन में, वही जाते हैं अंबानी जी के यहाँ नाच गाना। तो बिहार की जनता बहुत जागरूक है, बच्चा बच्चा यहाँ का राजनीति से जुड़ा हुआ है और उसको पता है कि हमको क्या करना है। 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। चलिए, तो 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ये प्रतिमा दास ने साफ कहा है। और एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर जरूर नाराजगी है, और उन्होंने कहा है कि बिहार में अध्यक्ष की बदलने की जरूरी, और आलाकमान से जरूर उनकी बात होगी क्योंकि अध्यक्ष जी किसी का फोन नहीं उठाते हैं और किसी से संपर्क नहीं करते हैं। ऐसे में पार्टी जो है कमजोर हो रही है और कांग्रेस की संगठन कमजोर हो रही है, तो ये जरूरी है कि बिहार में ऐसे अध्यक्ष को बनाया जाए जो बिहार में राजनीति करे, ना कि दिल्ली दौरा करे। अपने सहयोगी शशि के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज 22 स्कोप।